हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कांजी वड़ा की रेसिपी, जो कि राजस्थान की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। आप इसे गर्मियों में या होली और दिवाली जैसे फेस्टिव सीजन में, जब मिठाइयां और ऑयली खाना खा कर मन ऊब जाता है, तो इस रिफ्रेशिंग और ठंडे कांजी वड़ा को बना सकते हो। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिल्कुल भी देर किए बिना फटाफट शुरू करते हैं होली स्पेशल इस कांजी वड़ा को बनाना। सबसे पहले मैं कांजी के लिए पानी को बॉईल कर लूंगी। तो एक पैन में 2 लीटर पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो 10 से 15 मिनट बाद पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो आपको जितनी क्वांटिटी में कांजी बनानी है उसके हिसाब से आप यहाँ पर पानी को बॉईल करें। तो अब मैं कांजी का मसाला बनाकर तैयार करूंगी। तो पैन में मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून या 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों या राई डाल दी है। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें काली सरसों डाली है। तो काली सरसों से टेस्ट और पीली सरसों से बहुत अच्छी खटास आएगी कांजी में। तो लो फ्लेम पर कंटिन्यूअसली चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। तो इसमें मैंने 1/2 टी स्पून अजवाइन और 5 से 6 काली मिर्च डाल दी है। इन्हें भी मैं यहाँ पर कुछ सेकंड तक इसी तरीके से रोस्ट कर लूंगी। तो ये सभी चीजें रोस्ट हो चुकी हैं। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसमें मैं 1/2 टी स्पून हींग डाल दूंगी। तो पैन और मसाले अभी गर्म हैं, तो इसी में इसी तरीके से इसका कच्चापन खत्म होने तक मैं रोस्ट कर लूंगी। मसालों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद जब हम कांजी में डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो मसाले ठंडे होने के बाद मैंने छोटे ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लिए हैं। तो इसे मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन्हें हल्का सा ही दरदरा रखा है। आप चाहो तो इन्हें फाइन ग्राइंड भी कर सकते हो। तो इन्हें मैं साइड में रख लूंगी। तो अब मैं यहाँ पर पानी को चेक कर लूंगी। तो ढक्कन खोल कर देख लेंगे। तो पानी यहाँ पर रूम टेम्परेचर में आ चुका है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ग्राइंड किया हुआ सारा मसाला। तो ये मसाला मैंने 2 लीटर पानी के हिसाब से बनाकर तैयार किया है। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें सफेद नमक और 1/2 टी स्पून इसमें काला नमक डाला है। 3/4 टी स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टी स्पून जीरा पाउडर और 1/2 टी स्पून ही इसमें हल्दी पाउडर डाल दी है। तो अच्छे से यहाँ पर इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। सरसों से इस पानी में खट्टापन और काली मिर्च और लाल मिर्च से हल्का सा तीखापन आएगा। तो बहुत ही हेल्दी और डाइजेस्टिव ये कांजी का पानी बनकर तैयार होगा। तो अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इस पानी को फिल कर रही हूँ कांच की इस ड्राई बोतल में, क्योंकि अब हमें यहाँ पर इस पानी को फर्मेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने कॉटन का ये पतला कपड़ा लिया है। इसे इसके ऊपर रखकर रबड़ बैंड से अच्छे से बांध लेंगे ताकि ये अपनी जगह से निकले ना। तो इस पानी को हमें धूप में 2 से 3 दिन तक रखना है। अगर धूप नहीं है तो 3 से 4 दिन तक भी आप इस पानी को रख सकते हो। तो बचे पानी को भी मैंने दूसरी बोतल में फिल कर लिया है। बीच बीच में हमें इस पानी को हिलाते भी रहना है। तो गाजर की कांजी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है। प्लीज आप इस रेसिपी को भी एक बार जरूर देखें। वड़ा बनाने के लिए 1/2 कप धुली मूंग और 1/2 कप ही उड़द दाल को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। तो दाल यहाँ पर बहुत अच्छे से भीग चुकी है। तो दाल को अब हमें ग्राइंड करना है। तो ग्राइंडर जार में मैं डाल दूंगी दोनों दालों को। इनका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ मैं वड़ा बनाने के लिए दोनों दालों का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो दोनों में से किसी एक दाल से भी इन्हें बना सकते हो। तो 1 टुकड़े अदरक को इसमें मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है। साथ ही 1 बड़ी तीखी हरी मिर्च को भी इसमें कट करके डाल दिया है। तो दाल के साथ ये दोनों चीजें भी ग्राइंड हो जाएंगी। तो ढक्कन लगाकर इनका मैंने यहाँ पर एक थिक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। इस दाल को मैंने यहाँ पर इस तरीके से फाइन ग्राइंड कर लिया है और 2 चम्मच पानी का ही यूज इसे ग्राइंड करने में किया है। तो इस दाल को मैं 1 बड़े बोल में निकाल लूंगी, क्योंकि इसे हमें यहाँ पर फेंटना है। तो एक ही डायरेक्शन में कम से कम 2 से 3 मिनट तक मैं इसे विस्कर से फेंट रही हूँ, ताकि दाल के अंदर अच्छे से एयर भर सके और हमारे बड़े सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। तो फेंटने के बाद दाल को चेक कर लेंगे। तो इसका एक छोटा सा बोल पानी में डालकर देखेंगे।
तो डालते ही ये इस तरीके से ऊपर तैर रहा है। तो दाल का जो ये बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है बड़े बनाने के लिए। तो अब मैंने इसमें एक पिंच हींग डाल दी है, आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। तो इन सभी चीजों को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को मैं अब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। तो 3 दिन तक कांजी को धूप में रखने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे चेक कर लूंगी। तो इनके ऊपर जो कपड़ा था उसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, तो बहुत अच्छे से ये कांजी यहाँ पर फर्मेंट हुई है। तो अब मैं यहाँ पर इस कांजी को डाल दूंगी एक बड़े बोल में। तो जितनी कांजी मुझे अभी तैयार करनी है उतने ही कांजी के पानी को मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूंगी, क्योंकि जो कांजी बड़े होते हैं वो ठंडे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बड़े फ्राई करने से पहले हमें यहाँ पर एक और स्टेप करना है। बोल में पानी डालकर एक चम्मच मैंने नमक डालकर मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर बड़ों को फ्राई करूंगी। तो फ्राई करने के लिए ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए। तो बैटर में से यहाँ पर छोटे छोटे पोर्शन लेंगे और बड़ों को इस तरीके से ऑयल में डालते जाएंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। तो 2 से 3 मिनट बाद अब मैं यहाँ पर इन्हें दूसरी साइड पलट रही हूँ। तो दोनों साइड से हमें यहाँ पर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो इनका कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पर अब मैं इन्हें उलटते पुलटते हुए फिर से फ्राई कर रही हूँ। बड़े अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो बहुत ही अच्छा कलर इन बड़ों का यहाँ पर आया है। तो इन्हें मैं अच्छे से छानते हुए इस जाली वाली छन्नी में निकाल लूंगी। तो फर्स्ट बैच के हमारे यहाँ पर ये बड़े फ्राई हो चुके हैं। तो तुरंत अब मैं यहाँ पर इन्हें डाल दूंगी नमक वाले पानी में। तो इस स्टेप को करने से हमारे जो बड़े हैं वो काफी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे अंदर से। तो अच्छे से इन्हें मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो अब मैं यहाँ पर दूसरी बैच के भी बड़ों को फ्राई कर लूंगी। मेरी कढ़ाई में जितने बड़े एक बार में फ्राई हो सकते हैं तो उतने मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। तो ऊपर आने के बाद अब मैं यहाँ पर इन्हें दूसरी साइड पलट लूंगी। तो बड़ों को हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। तो उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से यहाँ पर अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इन्हें अब मैं निकाल लूंगी अच्छे से छानते हुए इस स्ट्रेनर में, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है नीचे छन जाए। तो सेकंड बैच के भी ये बड़े यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। तो 10 मिनट तक बड़ों ने पानी को अच्छे से एब्जॉर्व कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें इस तरीके से स्क्वीज करते हुए निकाल लूंगी। कांजी को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो नमक भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो बड़ों को स्क्वीज करके डायरेक्ट ही इसमें हमें डालना है। तो लास्ट वाला बड़ा मैं आपको थोड़ा तोड़ कर दिखाती हूँ। तो अंदर से ये काफी सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जूसी है। तो कांजी और बड़े दोनों ही हमारे यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो यहाँ पर ये होली स्पेशल कांजी बड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो अच्छे से बड़ों को मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। तो लास्ट में मैंने इसमें थोड़े से पुदीने और हरे धनिए के पत्तों को बारीक कट करके इसमें डाला है, लेकिन यहाँ पर ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी कांजी वड़ा सर्व करने के लिए तैयार है। तो इन्हें मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ इस क्यूट सी मटकी में और 2 गिलास में। तो फ्रेंड्स, टेस्ट में ये कांजी बड़े बिल्कुल स्ट्रीट या ठेले वाले भैया जैसे ही हैं, लेकिन हमने इन्हें घर पर बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस होली या गर्मियों में इस कांजी वड़ा की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।